लव इज ब्लाइंड इस बात का पूरी तरह से एग्जाम्पल सेट किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो खूब सारे ब्यूटीफुल कपल्स हैं, मगर आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर एक साथ कहा जाता है ऑकवर्ड, यानी कि सबसे मिसमैच्ड कपल्स बॉलीवुड इंडस्ट्री के। और आज उन्हीं के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले नाम सामने आता है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का। हमें तो कहीं से ये मिसमैच्ड कपल नजर नहीं आते, लेकिन कई लोगों के अनुसार ये दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कहां खूबसूरती की रानी कही जाती है ऐश्वर्या राय बच्चन, तो वहीं दूसरी ओर एक फ्लॉप एक्टर बनकर सामने आ चुके हैं अभिषेक बच्चन, और इसी वजह से इन दोनों को कहा जा चुका है एक मिसमैच्ड कपल। वेल, इस लिस्ट के अंदर और भी खूब सारे नाम हैं, जैसे कि मलाइका अरोड़ा खान, जो कि मलाइका अरोड़ा बन चुकी हैं और जल्दी कपूर बनने वाली हैं। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं, और मलाइका अरोड़ा के बारे में कहा जाता है कि वे अब बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वहीं अर्जुन कपूर अभी यंग हैं, मगर वे अपनी फिटनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब ये दोनों एक साथ नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मलाइका के साथ उनका कोई हट्टा कट्टा सा बॉडीगार्ड चल रहा हो। यहाँ पर आपको बता दें कि मलाइका की एज 47 साल और अर्जुन की एज 35 साल है, और इन दोनों के बीच में 17 साल का एज डिफरेंस है, और इसी के साथ उन्हें मिसमैच्ड कपल बोलकर यहाँ इस लिस्ट में हम शामिल करते हैं। वेल, इस लिस्ट के अंदर एक और नाम जो काफी ज्यादा फनी है, वो नाम है जैकलिन फर्नांडिस और साजिद खान का, और इन दोनों का भी लव अफेयर चला था और किसी को भी इस बात पर यकीन हुआ ही नहीं था, मगर देखिए ये मिसमैच्ड कपल भी एक दूसरे से अलग हो गए। ऐसे में इन दोनों को लेकर खूब मजाक बनाया जाता है और मिसमैच्ड कपल की लिस्ट में इन दोनों को शामिल किया जाता है। वेल, आपको बता दें कि अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अब इस बात में कोई भी शक नहीं रहा कि ये दोनों मिसमैच्ड कपल थे, और ये बात इन दोनों को भी पता चल गई कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे। वेल, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो काफी एक्ट्रेसेस का नाम भी बदनाम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बस पैसा देकर यूं ही शादी कर ली किसी से भी। ऐसे में यहाँ पर रानी मुखर्जी का भी इस चीज को लेकर नाम बदनाम हुआ, और उनका ये मिसमैच्ड कपल बना है आदित्य चोपड़ा के साथ। यहाँ पर आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी को एक साथ देखा जाए तो उन दोनों को देखकर हर कोई हंसने लग जाता है कि भाई जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। जहाँ बूढ़े दिखाई देते हैं आदित्य चोपड़ा, तो वहीं रानी अभी भी काफी ज्यादा जवान है। ऐसा ही एक कपल था बोने कपूर और श्रीदेवी का। श्रीदेवी ने तो बोने कपूर की पहली शादी तुड़वाकर उनके साथ रिश्ता बनाया था, लेकिन यहाँ ये देखिए कि इन दोनों को भी जब भी साथ देखा गया तो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही कमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया, और वो कमेंट था श्रीदेवी के पापा उनके साथ चल रहे हैं। मिसमैच्ड कपल इन दोनों को हमेशा से ही कहा जाता था। श्रीदेवी आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, और उनके जाने का गम हर किसी को सता रहा है। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की। ये दोनों कुछ ही वक्त पहले एक दूसरे के साथ आए और इनकी डेटिंग की खबरें सामने आने लगी। यहाँ पर इन दोनों को लेकर भी मजाक बन गए कि भाई देखिए, फरहान तो पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं, वो अब डेट कर रहे हैं शिबानी दांडेकर को, जो कि खूबसूरती में नंबर वन है और टॉप की मॉडल है, और यहाँ फरहान तो बूढ़े होते जा रहे हैं, तो ऐसे में मिसमैच्ड कपल की लिस्ट में ये भी शामिल है। लेकिन सबसे फनी मिसमैच्ड कपल तो ट्यूलिप जोशी और विनोद नायर का है। विनोद नायर अपनी पत्नी ट्यूलिप से हाइट में छोटे हैं, और खूबसूरती के मामले में इन्हें कहा जाता है बिल्कुल ही जीरो। आप इनकी तस्वीरों को हमारी इस रिपोर्ट में देख ही पाए होंगे और समझ गए होंगे कि आखिर इन्हें मिसमैच्ड कपल क्यों कहा जाता है। वेल, कुछ कपल तो ऐसे होते हैं जो जल्दी जान लेते हैं कि हम मिसमैच्ड हैं और एक दूसरे के साथ हमारी जमेगी नहीं। ऐसा ही कुछ उदय चोपड़ा और नरगिस फकरी के साथ भी हुआ था। इन दोनों ने अपनी डेटिंग की खबरों को हमेशा छुपा के रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इनकी डेटिंग की खबरें सामने आ ही गईं, और धीरे धीरे ये दोनों भी जानने लगे कि इन दोनों की एक दूसरे के साथ जमेगी नहीं। और साथ ही साथ उदय चोपड़ा का बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं नरगिस फकरी और भी ज्यादा यंग दिखने लगी हैं, और ये दोनों कपल्स भी मिसमैच्ड की लिस्ट में शामिल हैं। वेल, दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के मिसमैच्ड कपल की लिस्ट। इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com.
which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.